हेलो एवरीवन, तो हम वापस मिल रहे हैं एक बार और नया वीडियो लेकर फॉर इंग्लिश स्पोकन। तो मैं वापस आपको ये इंग्लिश सिखाता हूँ एक और वीडियो में। आप इसी तरीके से प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए और यू विल बी सून कंफर्टेबल इन इंग्लिश। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस सेंटेंसेज। एक बात मैं आपको कहूँगा कि जब आप एक क्लास लो तो नोटबुक और पेंसिल और पेन साथ में लेकर बैठे, क्योंकि हम लिख लेते हैं और उसे दोबारा देख लेते हैं तो 90% चांसेस ज़्यादा होते हैं सिर्फ वीडियो देखने से सीखने के बजाय। अगर आप लिखते भी हैं उसे तो ज़्यादा सीखोगे, और बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपने लिख लिया है तो उसे देख कर भी बोल सकते हैं, हाथ में कॉपी लेकर घर पर प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए एक कॉपी और एक पेन ज़रूर हाथ में ले लीजिए। चलो शुरू करते हैं, हम बिना समय ख़राब किए। ऐसे भी क्या जल्दी है वाक्य है, ऐसे भी क्या जल्दी है इंग्लिश होगी व्हाट्स द हरी। व्हाट्स द हरी, हरी का मतलब होता है जल्दबाजी। साइड हटो, मूव असाइड। साइड हटो, मूव असाइड। हम कहते हैं ना कि एक तरफ हो जाओ या उधर खिसक जाओ, ये बीच में क्यों बैठे हो, तो हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं प्लीज़ मूव असाइड। मूव असाइड, जल्दी करो, जल्दी करो को इसने बोला गो फास्ट। अगर हम चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो भी आप गो फास्ट कर सकते हो कि इस काम को जल्दी करो, गो फास्ट। डू फास्ट भी हम बोल सकते हैं, एंड डू हरी भी हम बोल सकते हैं, HURRY, हरी। जल्दी आओ, तो जल्दी आना है तो कम फास्ट, कम फास्ट। जल्दी करो, हरी अप, बी क्विक। हरी अप भी बोल सकते हो और बी क्विक भी बोल सकते हो। क्विक का मतलब होता है जल्दी से, इसीलिए हम जैसे चिपकाने के लिए 5 रुपये की फेवी क्विक लेके आते हैं। फेवी क्विक, फेविकॉल जो क्विक है, बिल्कुल बहुत जल्दी चिपका देती है। हरी अप। नेक्स्ट है वह देखने में कैसा था। वह देखने में कैसा था, पास्ट सिंपल टेंस है। हाउ डिड ही लुक अलाइक, हाउ डिड ही लुक अलाइक। इसे अपने दोस्तों के साथ बोलिए, मम्मी पापा के साथ बोलिए। डोंट थिंक कि वो मजाक करेंगे, आपको सीखना है तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। वह देखने में कैसा था मम्मी, हाउ डिड ही लुक अलाइक। ही की जगह जैसे कोई आप निर्जीव चीज़ है, जैसे मम्मी ने आपको आके कहा कि बेटा मैंने एक कपड़े की एक पैंट देखी थी तुम्हारे लिए, फिर आपने पूछा मम्मी वो देखने में कैसी थी, तो आप अंग्रेजी में बोलोगे हाउ डिड इट लुक अलाइक। हाउ डिड इट, ही की जगह इट यूज कीजिए, लुक अलाइक। नेक्स्ट है आप समझते क्या है मुझे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। आप समझते हैं क्या है मुझे, या फिर हम बोलते हैं आप मुझे क्या समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक आई एम, What do you think I am? What do you think I am? जो गुस्से में बोल देते हैं, आपको डांट फटकार पड़ती रहती है बात बात पर और आप गुस्सा होके बोलते हो What do you think I am? आप मुझे समझते क्या हैं, तुम्हारी बातों में दम है भाई। सो तुम्हारी बातें, अब बातों की अंग्रेजी होती है words, words है ना, शब्द। Your words have weight. Your words have weight. जैसे कोई काम के बारे में बात चल रही है, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत अच्छी बात बताई कि हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं, तो obviously वहाँ पर सामने वाला आपको बोल सकता है Your words have weight. तुम्हारी बातों में दम है, तुम सही कह रहे हो। वह बड़ा नेक दिल है। बड़ा नेक दिल का मतलब होता है गुड नेचर्ड पर्सन, हम कह सकते हैं। और बड़ा मतलब हाईली, नेक दिल, गुड नेचर्ड। तो वह है, ही इज हाईली गुड नेचर्ड, ही इज हाईली गुड नेचर्ड।
अगला वाक्य है, नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस इज, वह गिरते गिरते बचा, वह गिरते गिरते बचा। ही नेरोली एस्केप्ड फॉलिंग। एस्केप्ड का मतलब होता है बचना, नेरोली का मतलब होता है बहुत कम, नेरो का मतलब सकड़ा होता है, तो यहाँ पे बहुत कम चांस, या बहुत कहते हैं ना गिरते गिरते बच्चा, मतलब गिरने वाला था, तो हम यहाँ पे नेरोली यूज करा है। ही नेरोली एस्केप्ड फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिरने से एस्केप हुआ है, बच्चा है। नेरोली मतलब बहुत कम चांस, ही मतलब वह है। ही नेरोली एस्केप्ड फॉलिंग, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तैयार हो जाओ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, बी रेडी, तैयार रहो। हे भगवान, इट्स वेरी सिंपल, हो गॉड, कोई और, एनीबडी एल्स। देखो कोई और मतलब एक जना आ गया, दो जना आ गया, और हम पूछ रहे हैं कि भाई और कोई है क्या, और कोई आना चाहता है क्या, तो आप बोलोगे एनीबडी एल्स। ये एल्स को आप समझोगे तो काफ़ी अच्छी वाक्य आपको मिल जाएंगे, जैसे एनीबडी एल्स, और क्या, व्हाट एल्स, और कहाँ जाएं, वेयर एल्स, और क्यों, और क्यों, दैट इज़ डिफरेंट। एनीबडी एल्स हो गया, एनी वन एल्स हो गया, वॉट एल्स हो गया, वेयर एल्स हो गया, वो विच एल्स हो गया, और कौन, और कहाँ, हु एल्स हो गया। एल्स का मतलब होता है और अतिरिक्त चीज़, जो है वो तो है ही, और कोई आना चाहे तो आप एल्स का यूज कर सकते हैं, या और कोई जोड़कर, जैसे और कुछ चाहिए क्या, एनीथिंग एल्स, ई एल एस ई, एल्स का मतलब होता है और अधिक, एल्स का मतलब होता है और अधिक, आपको और कुछ चाहिए क्या, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, तुम जा सकते हो। यहाँ सकना पॉसिबिलिटी के लिए, सॉरी कैपेबिलिटी के लिए, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, मेरी कसम खाओ, स्वेयर बाय मी, मेरी कसम खाओ, स्वेयर बाय मी, मेरी कसम खाओ तुम, स्वेयर बाय मी, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई एडमिट, मैं मानता हूँ, माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, फ्यूचर सिंपल टेंस है, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक सून, मैं वापस आऊँगा। यहाँ पे बी मेन वर्ब के रूप में है, आई विल बी, मैं वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून। सोच समझकर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। कल मेरा जन्मदिन है, टुमारो इज माई बर्थडे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फिक्स डेट्स के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, बात फ्यूचर टाइम की हो रही है, लेकिन टेंस प्रेजेंट सिंपल है। टुमारो इज माई बर्थडे, टुमारो इज माई बर्थडे, कल मेरा जन्मदिन है। अगला है, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, पास्ट सिंपल टेंस है, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। भगवान की कसम खाओ, स्वेयर बाय गॉड, मेरी कसम खाओ कि क्या थी, स्वेयर बाय मी, ये देखिए यहाँ पे, स्वेयर बाय मी, भगवान की कसम खाओ, स्वेयर बाय गॉड, वापस जाओ, गो बैक, वापस आओ, कम बैक, कौन जाने, हु नोज। तो
अब आप इसे लिख लीजिए और इसे दोबारा जब भी आपको समय मिले देखिए, बार बार देखिए और बोलिए। सून यू विल बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो आज का वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है और ये सारे सेंटेंसेज हैं। व्हाट्स द हरी, मूव असाइड, गो फास्ट, कम फास्ट, हरी अप, बी क्विक, हाउ डिड ही लुक अलाइक, व्हाट डू यू थिंक आई एम, योर वर्ड्स हैव वेट, ही इज़ हाईली गुड नेचर्ड, ही नेरोली एस्केप्ड फॉलिंग, गेट रेडी, बी रेडी, ओ गॉड, एनीबडी एल्स, यू कैन गो, स्वेयर बाई मी, वट शुड आई डू, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई विल बैक सून, थिंक बिफोर यू स्पीक, टुमारो इज माई बर्थडे, वेयर वर यू, स्वेयर बाई गॉड, गो बैक, कम बैक, हु नोज, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।